को बताने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक जो कि एटीएम मास्टर कार्ड किस तरीके से पा सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का जो कि मास्टर कार्ड देता है। तो आपको एयरटेल पेमेंट बैंक का मास्टर कार्ड को उपयोग करने के लिए आपको मास्टर कार्ड को अप्लाई करना पड़ेगा, किस तरीके से आपको मिलेगा इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहे, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एयरटेल थैंक्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एयरटेल थैंक्स ऐप आपको लिखना है, एयरटेल ऐप लिख कर सर्च करें या थैंक्स, तो हम यहाँ पर एयरटेल थैंक्स लिख कर सर्च किया। सर्च करने के बाद जो भी नया ऐप आएगा आपके सामने ऐसा होगा तो उसको आपको इंस्टॉल कर लेना। हमारे में इंस्टॉल है, इसे हम ओपन करते हैं। यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको सिंपल सा करना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिए, जो भी जिस मोबाइल नंबर से आपको एटीएम कार्ड मास्टर कार्ड बनाना है। तो सिंपल सा करना का है, यहाँ पर आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अलाउ कीजिए जो भी आपका मास्टर कार्ड एटीएम कार्ड को प्राप्त करना है या बनवाना है। तो सिंपल सा यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालते हैं जिस मोबाइल नंबर पर हमको चाहिए। तो यहाँ पर मैं डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके एक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना है। लॉगिन पर क्लिक कीजिए। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर लिख के आ रहा है, तो यहाँ पर लिखिए, लिखा नोट, इस पर आपको क्लिक कीजिए या नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के फिर से नेक्स्ट कीजिए, फिर यहाँ से आप अपनी सिम सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर इस तरीके से खुल जाएगा। खुलने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आ जाने के बाद आपको सिंपल सा चले जाना है यहाँ पर। यहाँ पर वॉलेट का एक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर बैंकिंग दो नीचे थोड़ा देखना है, यहाँ लिखा है बैंकिंग, तो इस पर आपको क्लिक कीजिए बैंकिंग वाली सर्विस में। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाओगे। यहाँ पर आ जाने के बाद आपको सिंपल सा करना का है, यहाँ पर आपकी यूपीआई आईडी आ जाएगी। यहाँ पर आपको करना का है, आपको एटीएम कार्ड देखना है, तो यहाँ पर व्यू प्रोफाइल पर जाना है। व्यू प्रोफाइल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखा है डेबिट कार्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर केवाईसी करना है या लोन लेना है तो यहाँ से आप ले सकते हैं। हमको यहाँ डेबिट कार्ड देखना है तो डेबिट कार्ड पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमने जो भी पिन बनाया था वहाँ पर डालता हूँ, और ये हमारे सामने डेबिट कार्ड खुलकर आ गया है। इस तरीके से आप डेबिट कार्ड दो लिखा हुआ मास्टर कार्ड, आप मास्टर कार्ड एटीएम का इस तरीके यहाँ से डीएक्टिवेट और यहाँ से लिमिट इसकी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है सेट कार्ड लिमिट, तो अगर आपको कार्ड की लिमिट बढ़ाना है तो यहाँ पर कितने रुपये मतलब यहाँ से सेट कर दीजिए, एक महीने में कितनी लिमिट होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिमिट यहाँ पर इसे बंद भी कर सकते हैं, लिखा है डीएक्टिवेट कार्ड। तो यहाँ से आप इसे कॉपी कर लीजिए इन नंबरों को, जो भी शॉपिंग करते हैं वहाँ पर मांगता है कार्ड नंबर डालिए, एक्सपायरी डेट डालिए, तो यहाँ पर आप सीवी डालिए, तो यहाँ पर आप वहाँ पर डालकर पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट कर दीजिए, यहाँ से आपका पेमेंट जो भी पड़ा होगा कट जाएगा, आपकी शॉपिंग या कोई रिचार्ज भी हो जाएगा यहाँ से। इस वीडियो में यही आपको बताया था, मास्टर कार्ड इसका ही जल्दी ही लॉन्च होने वाला है जो कि आपके घर पर आना स्टार्ट हो जाएगा। इस वीडियो में वही आपको बताना था, मास्टर कार्ड किस तरीके से देखा जाता है और पाया जाता है। आपको नहीं मिला है तो इस तरीके से आप पा सकते हैं, या फिर यहाँ पर लिखा है कंप्लीट केवाईसी करके आप यहाँ से कार्ड बनवा सकते हैं। इस तरीके से बड़ी आसानी से आप कार्ड बनवा सकते हैं। इस वीडियो में यही आपको बताना था। इस वीडियो से जानने या सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।